हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वहीदा और वेलकम टू माय चैनल वहीदा बिली मोरिया। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर्स, जो क्लास सिक्स का है, ये चैप्टर आज हम रैप अप करने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे, जिसमें हम एचसीएफ एलसीएम दोनों चीज देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाए तो प्लीज मेरे साथ बेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है कि मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकती, और अगर करूंगी फ्रेंड्स तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मेरे साथ बैर करके प्लीज इसे कंटिन्यूटी में ही, एक पार्ट में ही देखिएगा। वेलकम फ्रेंड्स टू एक्सरसाइज 3.7, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ ढूंढ सकते हैं, और कैसे दिए गए प्रॉब्लम्स में, यानी इस तरह के अगर कोई सम्स होते हैं तो आप कैसे सोच के एचसीएफ या एलसीएम लगाना है वो डिसाइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सम है रेनू परचेजेस टू बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट्स 75 kg और 69 kg, यानी 2 kg उसके पास दो बैग्स है फर्टिलाइजर की। एक बैग जो है ये 75 kg की है, और जो दूसरी बैग है फ्रेंड्स ये आपकी 69 kg की है। अब वो कह रही है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट, यानी अब इन्हें अगर उसे एक वेइंग स्केल पे रखना है तो यहां पे ऐसा कौन सा वेट रखे वो कि जिसमें वो 75 kg भी कितने भी टाइम रखे, यानी कि अगर ये 2 times रखे, 3 times रखे, लेकिन इसके अलावा कोई और वेट ना रखना पड़े। तो यही एनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट करके इसे भी वो वेट कर सकती है और इसे भी वे कर सकती है। तो ऐसा ये कौन सा वेट होगा वो आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर वर्ड मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको एचसीएफ ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ढूंढेंगे। तो आपको एचसीएफ में पता है फ्रेंड्स कि पहले आपको इस तरह से इनके फैक्टराइजेशन करने हैं। तो ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, सो 3 से ये डिवाइड होगा, क्योंकि हमें पता है 7 + 5 = 12, और 12 जो है ये 3 के टेबल में है। तो 3 × 2 = 6 और ये 5। फिर ये अब नहीं, 2 + 5 = 7 होता है, तो वो 3 के टेबल में नहीं है, लेकिन यहां पे लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो आप इसे 5 × 5 = 25 और 5 × 1 = 1। तो ये तो हो गए आपके 75 के। फिर 69, अब ये जो है 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 6 + 9 = 15 होता है जो 3 के टेबल में है, तो ये 3 से जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। अब क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, ये हम लिखेंगे 23 डायरेक्ट। तो आपके पास फैक्टर्स कौन से होंगे भाई? फैक्टर्स ऑफ 75 आपके पास है 3, 5 और 5, और फैक्टर्स ऑफ 69 आपके पास है 3 और 23। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर आपके पास कौन सा है, सिर्फ 3। तो आपका एचसीएफ जो है ये 3 है। अगर कॉमन फैक्टर में कोई और होता तो आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और वो जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर है वो आपका एचसीएफ होगा। तो 3 ये जो है ये आपको फिर से स्टेटमेंट के तौर पे लिखना है इस तरह से, 3 kg इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर बोथ बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। सेकेंड सम फ्रेंड्स, 3 boys स्टेप टूगेदर एट अ स्पॉट। अब यानी 3 लड़के यहां पे खड़े हैं। अब विथ स्टेप 63, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट दे ऑल कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। यानी यहां से एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए इसे
इसे और इसे अलग अलग स्टेप्स लगेंगे। इसे 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर के इनके स्टेप है और इसके 77 सेंटीमीटर के। लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर इन्हें पहुंचना है तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा ताकि इनके क्रॉसओवर हो सके। अब ये मिनिमम वर्ड आपको बताता है कि लीस्ट, स्मॉल, मिनिमम, ये वर्ड आपको बताता है कि आपको एल सी एम ढूंढना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप करोगे कैसे फ्रेंड्स, आपको करना वही है, मेथड थोड़ी बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हम एलसीएम कैसे ढूंढेंगे, ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो चलिए, आपको इस तरह से तीनों नंबर एक साथ लिखना है, फिर उसके बाद देखना है कि भाई पहले आपको प्राइम नंबर्स ही लेने, 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन। पहले हम 2 से करेंगे, ये और ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि इनके लास्ट डिजिट ऑड नंबर है, लेकिन ये 2 से डिवाइड होगा। सो 2, अगर ये नहीं होता है तो आपको इसे जैसा है वैसे का वैसा ही लिखना है, ये भी नहीं होगा तो इसे भी वैसे का वैसे ही उसके नीचे ही लिखिए। अब ये 2, 3 6, जबकि ये 7 है तो 1 बच गया, तो अब हमारे पास 10 है, तो 2, 5 10। इसके बाद अब ये तीनों ही 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो चेक करते हैं 3 से, तो 6 + 3 9, यानी ये तो 3 से डिवाइड होगा। 3 + 5 8, यानी ये डिवाइड नहीं होगा। 7 + 7 14, यानी ये भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये बाकी के 3 के टेबल में नहीं है। तो चलिए 3 2 6 एंड 1 3, चलिए ये नहीं होंगे तो इन्हें जैसे था वैसा ही हम लिखेंगे। इसके बाद अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा, और ये नहीं होगा तो हम इसे वैसे ही रखेंगे। अब 3 से कोई नहीं होगा तो अब 5 से देखेंगे, तो आप देख सकते हैं सिर्फ इसी में लास्ट डिजिट 5 या 0 है तो ये ही होगा, ये नहीं होगा फिर से। और 5 व्हाट्स 35 5 7 जा, और ये 77। अब आप देख सकते हैं कि 5 से कोई नहीं होगा, 7 से सबको ही होगा, तो 7 1 जा 1 जा, और 11 जा, और लास्ट में क्योंकि 11 खुद एक प्राइम नंबर है, 11 1 जा 1 जा और 1 जा। बस फ्रेंड्स, अब आपको एलसीएम में करना कुछ नहीं है, इनके मल्टीपल्स भी नहीं लिखने जैसे हम फैक्टर्स में लिखते हैं, वो भी नहीं करना, सिर्फ इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं ये 2 को 2 ही रखूंगी, इसे 9 कर दूंगी, इसे 5 7 और 11। अब मैं ये 2 को मिलाकर 77 करूंगी, इन 2 को मिलाकर 10 करूंगी, ये हो गया मेरा 90 × 77, ये हो गया 6930। तो इतने इस ये नंबर ऑफ सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, क्यों मैंने सेंटीमीटर लिखा, क्योंकि ये सारे ही हमें सेंटीमीटर में दिए गए थे, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट लिखना कंपलसरी है। थर्ड वन फ्रेंड्स, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, लॉन्गेस्ट वर्ड बताता है कि हमें एच सी एफ ढूंढना है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नेचुरली पहले हमें सबके फैक्टर्स ढूंढने होंगे, 825, 675 और 450। तो क्योंकि ये 10 + 5 = 15, ये 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा। 3 2 6, 3 7 21 और 3 5 जा, अगेन ये 9 + 5 = 14, ये 3 से नहीं जाएगा तो हम 5 से ट्राई करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 5 5 = 25 और 5 5 = 25, ये 5 से जाएगा, 5 11 जा और 11 1 जा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, क्योंकि 6 + 7 = 13 + 5 = 18, 3 के टेबल में है तो 3 से जाएगा, 3 2 6, 2 6 और 5 जा। 2 + 2 = 4 + 5 = 9, अगेन ये 3 से जाएगा, 3 7 = 21 और 3 5 = 15। 7 + 5 = 12, अगेन ये 3 से जाएगा, 2 6 और 5। 2 + 5 = 7, ये 3 से नहीं जाएगा तो 5, 5 5 = 5 1 जा।
अब हम लास्ट देखते हैं 450. पहले तो ये जीरो है तो टू से जाएगा, टू टू जा फोर, टू जा और ये फाइव. अब क्योंकि ये देखिए ये सेम चीज है टू टू फाइव, तो आप थ्री से जाएगा 375, थ्री से 25, फाइव से फाइव और फाइव से वन. तो चलिए अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो आपको उसको वहीं जाना है, उसको भी कॉमन फैक्टर ढूंढना है. तो फैक्टर ऑफ 825, थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू इलेवन. अब आपको फैक्टर्स ऑफ 675, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव. फैक्टर्स ऑफ 450, टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव. तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके फैक्टर्स. अब आपको कॉमन फैक्टर लिखने हैं. तो कॉमन फैक्टर देखिए थ्री सब में है, दूसरा थ्री ये दो इसमें नहीं है तो वो नहीं होगा. फाइव अब चेक करते हैं, ये फाइव ठीक है, एक और फाइव दोनों में है. तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फाइव जा सेवेंटी फाइव, या फिर ट्वेंटी फाइव थ्री जा सेवेंटी फाइव. यूनिट अगर दिया गया है तो आपको कंपलसरी लिखना है, क्योंकि ये तीनों तीन सेंटीमीटर में है, हम यहां पे लिखेंगे सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप इज 75 सेंटीमीटर. अब फ्रेंड्स इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है ये और फिफ्थ क्वेश्चन कुछ सिमिलर है, और इन्हें करने की मेथड थोड़ी सी सिमिलर है लेकिन वो एक ट्रिकी है. ट्रिक नॉट ट्रिकी, ट्रिक ही है. डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस. फ्रेंड्स अगर ये वर्ड स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट दिया गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको कहा गया है कि भाई एग्जैक्टली इससे डिविजिबल होना चाहिए तो वो हमारा एलसीएम है. तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे. हम 6, 8 और 12 का इस तरह से एलसीएम करेंगे. 2 थ्री जा, 4 जा और 6 जा. 2 ये लाइन लगाना जरूरी नहीं है, कोई लगाते हैं कोई नहीं लगाता है, आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं वरना ठीक है. 2 जा और 3 जा, फिर से 2, 3 1 जा और 3. जो डिवाइड नहीं होगा उसे वैसे का वैसा ही रखना है. ये 1 जा 1 जा 1 जा. तो देखिए आपका आंसर क्या आया, आपका एलसीएम होगा फ्रेंड्स सिंपल से एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. सो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24. अब ये सम में कुछ करना है फ्रेंड्स. यहां तक तो आपने 24 सिर्फ इनका एलसीएम ढूंढा, लेकिन इसमें पूछा गया है वो फिर से देखते हैं. डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, यानी सिर्फ ये नहीं देखना है ये पूरा देखना है, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. अब हमारा जो आंसर है वो तो टू डिजिट है, तो इसके बाद आपको 24 के टेबल्स लिखने होंगे. 24 वन जा 24, 24 टू जा 48, 24 थ्री जा 24 फोर जा 96, 24 फाइव जा 120. तो देखिए जो सबसे छोटा थ्री डिजिट नंबर वो हमारे लिए 120 होगा. तो आपको वही लिखना है, ये आपको वर्किंग बताना होगा या फिर आपकी टीचर ने कुछ अलग टाइप का वर्किंग बताया तो आपको वो बताना है, लेकिन वर्किंग तो आपको बताना होगा कि 120 आप कैसे लेकर आए. द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल by 6, 8 and 12 is 120. इस तरह से फ्रेंड्स आपको लिखना होगा. डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, देखिए वही सेम टाइप का सम है
लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर है, आपको ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट पूछा गया तो पहले आपको एलसीएम ही करना है फ्रेंड्स। तो देखिए 8, 10 और 12, 2 4 जा 5 जा 6 जा, 2 2 जा ये नहीं जाएगा, 5 जा 3 जा, इसके बाद 2 1 जा 5 जा 3 जा, 3 1 जा 5 जा 1 जा और 5 1 जा 1 जा 1 जा। यानी हमने पहले 2 से सब कुछ किया, फिर जब 2 खत्म हो गया तो हम 3 लिया हमने और 3 से डिवाइड किया, ये नहीं गया तो इसे जैसा था वैसे ही रखा, और फिर 5 से। ये पैटर्न में क्या होता है, आपको एक नंबर लेना होता है, उसे अगर खत्म हो जाए फिर नेक्स्ट नंबर लेना होता है। ऐसे नहीं कि भाई 2 ले लिया फिर डायरेक्ट 5 ले लो, फिर डायरेक्ट 3 लो, फिर वापस 2 पर आओ, ऐसा नहीं। एक पैटर्न फॉलो करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए आपका एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, सो दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो ये आपका एलसीएम है, लेकिन ये तो थ्री डिजिट नंबर है लेकिन ग्रेटेस्ट है या नहीं ये हमें नहीं पता, तो आपको फिर 120 के टेबल लिखने होंगे। 120 2 जा, हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए और वो भी थ्री डिजिट, तो 240, 125 जा 480, 125 जा 720, 127 जा 840, 127 जा 840, 128 जा 960, 129 जा 1080। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहां तक थ्री डिजिट नंबर्स है, फिर ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया, तो ये हमारा 3 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर है, तो ये हमारा आंसर है। हम कहेंगे द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12 इज 960। ये आपका आंसर है, ना कि 120 तो आपका एलसीएम है, उसके बाद आपको ये प्रोसेस करनी होगी तब आपको मिलेगा आपका आंसर। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये सम जो है, ये बिलीव मी स्टैंडर्ड 4th में भी आता है, 5th, 6th, 7th, 8th, और ये ही सम 10th स्टैंडर्ड में भी आता है। तो आप प्लीज, करना कुछ भी नहीं है लेकिन लगता ऐसा है कि पता नहीं क्या होगा, तो आप प्लीज इसमें ध्यान दीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि 10th में भी इतना ही इजी है मैथ्स जितना हमारे क्लास में है। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रेंड्स, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग्स एग्जैक्टली चेंज एग्जैक्टली आफ्टर 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड। If they change simultaneously, simultaneously का मतलब है एक के बाद एक, at 7 AM यानी 7 बजे, सुबह के 7 बजे ये तीनों लाइट्स एक के बाद एक शुरू हुई थी, और उसके बाद कौन से टाइम पे ये फिर से एक के बाद एक शुरू होगी। फ्रेंड्स अगर सम यहां तक ही दिया गया होता, ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग्स रन आफ्टर 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड, तो सिर्फ एलसीएम करके आपको छोड़ देना जो हमने लोअर क्लासेस में किया है। तो पहले वो स्टेप करते हैं कि जब हम इनके एलसीएम ढूंढते, ये फर्स्ट स्टेप है सम का। तो आप देख सकते हैं कि सभी के सभी इवन नंबर है, तो 2 2 जा 4 जा 3 जा 6 जा 2 5 जा 10 और 4 जा, फिर अगेन आप 2 से कीजिए 2 1 जा 2 जा 1 जा, 1 बज गया तो 16 यानी 8 जा, 2 2 जा 4 और ये 7 जा। अब आप देखते हैं ये दो तो फिर भी डिवाइड बाय 2 होंगे, ये नहीं होगा, तो 2 6 जा 9 जा और 27, आगे भी 6 डिवाइड होगा, 2 3 जा 9 जा 27।
अब ये सारे ही थ्री से डिवाइड होंगे, थ्री वनजा थ्रीजा और नाइनजा, थ्री वनजा थ्रीजा और थ्री वनजा वनजा वनजा। तो चलिए ये तो हमें एलसीएम मिल गया, एलसीएम कितना मिला है याद रखिए, ये सारे ही सेकंड्स में थे तो हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 1, 2, 3, 4 और फिर 3 × 3 तो ये हो गया 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16 ये हो गया हमारा 16 × 3, 3 × 9, 3 × 27 16 × 27 = 2, 4 = 11, 12 × 3 = 4, 32 तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स 432 सेकंड्स। अब सेकंड्स लिखना जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया अगर यूनिट है तो आपको ये लिखना होगा। अब फ्रेंड्स इसका मतलब ये कि आफ्टर आप इसे सेकंड भी रख सकते हैं जो परफेक्टली राइट है, और आप इन सेकंड्स को मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे देखिए, 432 / 60 क्यों 60, क्योंकि 1 minute = 60 seconds, सो 432 seconds इज इक्वल टू हाउ मच, तो 432 / 60 सो 7 × 4 = 20। अब ये एक रूल है टाइम लेसन का कि कभी भी टाइम लेसन को डेसिमल में मत कीजिए, ये आपकी जो भी जिसके नीचे क्वेश्चन है वो है ये, और ये जो है वो आपका जो दूसरा यूनिट है वो है। तो आपका आंसर होगा या तो 432 सेकंड्स या फिर 7 minutes 12 seconds, तो आप इनमें से दो में से कोई भी लिख सकते हैं, यानी कि शाम के सुबह के 7 बजे यानी 7 AM के बाद आइदर 7 minutes 12 seconds या फिर 432 सेकंड्स के बाद वो ट्रैफिक लाइट फिर से साइमल्टेनियसली होगी, तो आपको वही लिखना है एट 7 minutes 12 seconds आफ्टर 7 AM। थ्री टैंकर्स कंटेनिंग 403 liters, 434 liters एंड 465 liters ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल इन थ्री कंटेनर्स। फ्रेंड्स मैक्सिमम कैपेसिटी वर्ड्स गोज टू प्रूव दैट दिस इज अ सम ऑफ HCF। HCF में आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह से सिंपल इनके 403, 434 और 465 लीटर्स के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा नंबर है लेकिन इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, एक 13, तो हमें पता है 13 × 3 = 39 तो एक बज गया तो 13 आप देख सकते हैं तो 1, और 31 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये। इसके बाद 431 में पहले और 434 में 2 है तो लास्ट डिजिट, तो ये 2 से डिवाइड होगा, सॉरी ये 4 है लास्ट डिजिट जो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 और 7 = 7। अब ये नंबर देखते हैं किससे डिवाइड होता है, 3 से 2 + 3 = 10 नहीं, ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो नेचुरली उसके बाद 7 से चेक करते हैं, 7 × 3 = 1 = 1 ठीक है, 7 × 3 = 21 और 7 × 1 = 7 और 31 प्राइम नंबर है तो वो हो गया। ये नंबर पहले 10 और 5 = 15 सो ये 3 से जाएगा, 3 × 1 = 3, 5 = 15 और 5, 6 और 5 = 11 ये 3 से नहीं जाएगा ये 5 से जाएगा, 5 × 3 = 15 और 5 × 1 = देखिए 31। तो बस आपको ये ही लिखना है, ये सम में कुछ नहीं है, सिर्फ ये फैक्टर्स करने में बच्चों को बहुत टाइम जाता है इसलिए ये सम लिया गया है। सो फैक्टर्स ऑफ, आपको पहले फैक्टर्स 403 के लिखने हैं, 13 × 31। अब फैक्टर्स वो लिस्टिंग मेथड में आप कॉमा रखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप कॉमा की जगह पे मल्टीप्लीकेशन रखोगे, फैक्टर ट्री या फिर डिविजन मेथड में भी आप ये ही रखोगे। अब आप कॉमन फैक्टर ढूंढोगे
तो वो सिर्फ 31 है, तो यही आपका HCF भी है 31। तो ये आंसर है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि अब इसका यूनिट लिखना कंपलसरी है, अगर यूनिट दिए गए हैं तो आपको यहाँ पे यूनिट कंपलसरी लिखना होगा और फिर आंसर लिखिए। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर शुड बी 31 liters। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। पहले तो लीस्ट नंबर से ही पता चलता है कि ये एक एलसीएम का सम है और उसके बाद इसमें 5 रिमाइंडर भी है, तो इसमें क्या करना ये देखेंगे। तो अगेन फ्रेंड्स, ये सम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे वाले क्लासेस में भी आएगा, तो चलिए देखते हैं। पहले आपको एलसीएम करना है तो आप एक साथ ही कर लेंगे 6, 15 और 18। ये और ये 2 से डिवाइड होंगे, 2 3 15 और 2 9। अब ये तीनों तीन 3 से, 3 1 5 और 3 3 1 5 और 1 5 1 1 और 1। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये 2 और 5 को साथ में ले लीजिए, वो बेटर रहेगा, 2 5 और 3 × 3, तो इसका आंसर होगा 10 और ये 9, तो 90 आपको आंसर मिल गया। लेकिन आपको सिर्फ एलसीएम मिला, अभी 5 रिमाइंडर है वो तो आपने लिखा ही नहीं है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, एड रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है उसको एड कीजिए किससे, एलसीएम से। सो 90 प्लस 5, तो वो होगा 95। तो ये आपका आंसर है, द लीस्ट नंबर इज 95। इस तरह से फ्रेंड्स आपको करना है, पहले एलसीएम ढूंढ लीजिए और जो भी रिमाइंडर है उसको बाद में एलसीएम से ऐड कर दीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल, ये ऑलरेडी हमने कर दिया है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यानी आपको एलसीएम ढूंढना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, बिगेस्ट 3 डिजिट, जो भी है उसमें एलसीएम ही होगा, बिगेस्ट वर्ड होगा तो भी फ्रेंड्स। तो आप कैसे करेंगे, तो चलिए हम पहले इसमें करेंगे एलसीएम 18, 24 और 32 का, 2 9s, 12s, 16s, 2 ये तो नहीं होगा, सो 2 6s और 8s, 2 ये फिर से नहीं होगा, 2 3s और 4s, 2 3s और 2s, 2 1s, अब 3 3s, 1s, 1s और 3 1s, 1s, 1s। सो आपका एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स, एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 5 टाइम्स हो गया, और ये तो हमें पता है 3 2s 6 2s 12 sorry 2 2s 4 4 2s 8 2s 16 2s 32 × 9, तो आपको बस 32 × 9 मल्टीप्लाई करके 288। लेकिन ये तो एक 3 डिजिट नंबर है, तो अब आपको इसके टेबल्स लिखने होंगे। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, 288 1s 288 288 2s, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 288 × 2 6 1 7 1 5 576, 288 × 3 288 × 3 4 2 6 2 और 6 and 8 864, फिर 288, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 डिजिट चल रहे हैं, हमें 4 डिजिट का आंसर चाहिए, तो और वो भी स्मॉलेस्ट, यानी पहला ही जो 4 डिजिट का आंसर है वो हमें ले लेना है, 4 32 35 8 and 11,
तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फोर डिजिट नंबर, यानी ये हमारा आंसर है। यूनिट्स चेक कीजिए, अभी इसमें कोई यूनिट नहीं तो बस यही है, तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इज 1152। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 एक्चुअली में आगे लेना चाहिए था क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, कितना सिंपल, हमें सिर्फ 9 और 4, सो 2 9 2 2 9 1 3 3 1 3 1 1, सो आपको एलसीएम कितना होगा, 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 4 × 9, तो 36। अब आपको पूछा गया है इज द एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो देखिए क्या 9 × 4 भी 36 होता है। देखिए आप चेक कर रहे हैं तो आपने आपको चेक करना है और फिर लिखना है यस द एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम टू नंबर्स का प्रोडक्ट हो सकता है। अगेन नेक्स्ट वन 12 और 5 देखेंगे। 12 और 5 2 6 5 2 3 5 3 1 5 1 1। तो आपका एलसीएम कितना होगा, 2 × 2 × 3 × 5, ये दो लेके 10 हो गया, सो 10 × 6 दैट इज इक्वल टू 60। अब आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, 12 × 5 ये भी 60 हो रहा है, तो फिर आपको लिखना है यस द एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जिन जिन ने भी आगे की एक्सरसाइज यानी 3.5 और 3.6 हमारी वीडियोस उसके देखे होंगे वो जान गए होंगे कि ये बहुत इजी है, हमें पता ही चल जाएगा कि ये कैसे कैसे। फ्रेंड्स ये जो दो नंबर हमारे पास हो जिनके एलसीएम हमें ढूंढने हैं, अगर ये को प्राइम नंबर्स होंगे तो फिर एलसीएम इनका सेम ये नंबर का प्रोडक्ट होगा। ये कंसेप्ट हम स्टैंडर्ड 10th में करने वाले हैं, जब आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से एलसीएम किस तरह से मिलेगा वो ढूंढना होगा। 6 × 5 2 3 5 3 1 5 1 5 1 1, सो हमारा एलसीएम होगा 2 × 3 × 5, ये दो लेने के बाद 10 × 3, सो 30। और हमारा आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा, 6 × 5 भी 30 होगा, तो यस एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब फ्रेंड्स इसमें होता ये है कि एक और चीज जो पिक्यूलियरिटी है वो ये है कि जितने भी एलसीएम हमें मिले हैं वो सारे ही 3 के टेबल्स में है या फिर वो मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 के टेबल्स में होना यानी मल्टीपल ऑफ 3 है। लास्ट वन भी इसी तरह चेक कर लेते हैं, सो 15 और 4, 2 2 2 1 3 5 और 5 1, सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5 4 15 4 × 15, ये मुझे इजी लगा, 10 और ये 6 तो फिर भी ये 60 होता है। अगेन आप मल्टीप्लाई करके भी चेक करेंगे तो 15 × 4 = 60 ही होगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई यस एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये चार एग्जांपल में फ्रेंड्स पिक्यूलियरिटी दो चीज थी, एक तो जो एलसीएम मिल रहा है वो प्रोडक्ट है टू नंबर्स का, और दूसरा कि ये सारे ही मल्टीपल्स ऑफ 3 है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अनदर। यानी क्या, देखिए आप 20 ले रहे हैं तो आप 20 का देखिए जो बड़ा नंबर है उसका फैक्टर्स आप बनाइए, लिस्टिंग मेथड में बनाइए, 1 20 2 10 3 4 5, तो आपको पता चलेगा कि भाई फैक्टर्स, ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपको नहीं लिखना है,
फैक्टर्स ऑफ 20 क्या होंगे, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो दूसरा नंबर है वो इसमें है, यानी अगर एक ऐसा नंबर है जो दूसरे नंबर का फैक्टर है तो एलसीएम में क्या होगा वो देखिए। ये रूल पूरी लाइफ आप याद रखेंगे, इसलिए प्लीज ये चार ही सम है, प्लीज इसे ध्यान से कीजिए। तो ये रूल जो है ये जिंदगी भर याद रखने वाला है रूल है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, एलसीएम ही ढूंढना है तो सिंपल है, हम 2 10s, 2 5s और 5 1s। सो हमारा एलसीएम क्या होगा फ्रेंड्स, 2 × 2 × 5 और वो होगा 20। तो क्या रूल है फ्रेंड्स कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो फिर एलसीएम यही नंबर होगा। इसमें हम जानते हैं कि 18 के फैक्टर में 6 है, 6 × 3 = 18, यानी ये इसका फैक्टर है तो आंसर 18 ही आएगा। तो चलिए चेक करते हैं, हमें तो सिर्फ चेक करना है, तो आप चेक करोगे 6 और 18, 2 3s 9s 3 1s 3s 3 1s 1s। सो हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 × 3, तो ये हो गया 2 × 9 यानी 18। देखिए वही नंबर 6 18 का फैक्टर था, इसलिए जो एलसीएम निकलेगा वो 18 नंबर होगा। इसी का भी वही करना है और फिर एंड में आपको रूल लिखना है कि रूल क्या है। 2 6s 2s 4s 2 3s 1s 2s 2 6s 2 3s और 3 1s। सो 2 2s 4 4 2s 8 2s 16 3s 48। सी सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3, सो 16 × 3 दैट इज इक्वल टू 48। यहां पे भी हमें पता है 9 5s 45, यानी 9 45 का फैक्टर है तो हम आंसर हमारा 45 आना चाहिए। 3 3s 1s 5s 3 1s 5s और 5 1s 1s। सो एलसीएम इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 9 × 5 दैट इज इक्वल टू 45। तो अब आप रूल लिखिए जो आपने ऑब्जर्व किया है। तो हमारा रूल ये होगा, द एलसीएम विल बी द लार्जर नंबर, जो भी बड़ा नंबर होगा वो आपका एलसीएम होगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ हमारा जो चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर्स उसकी लास्ट एक्सरसाइज भी खत्म हो गई फ्रेंड्स। अब हम जल्द से जल्द नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बड़ा ही इम्पोर्टेंट और जिंदगी भर काम आने वाला चैप्टर आज यहीं पे खत्म होता है, फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए।